ये भैया की शॉप मोती वाला परफ्यूम, ये उनकी पहली शॉप है, दूसरी वाली शॉप है गाइस। तो आज हम आए थे परफ्यूम वाली शॉप पर। देख सकते हो यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का फिर से वेलकम हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो आज अभी फिलहाल टाइम हो रहा है अर्ली मॉर्निंग के 4:40, और फिलहाल का सीन आपको बताएगा इस, आज हम जा रहे हैं गांव। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेशन के ऊपर, आप चेक कर सकते हो वो साइड खड़ी है हमारी ट्रेन। तो वैसे ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो अभी फटाफट से चलते हैं और टिकट लेते हैं। तो आज भैया भी हमारे साथ, तो भैया भी जा रहे हैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए। तो हम यहीं पर खड़े रहे वेट करते, तो वैसे भैया भी टिकट ले रहे। तो गाइस उस साइड खड़ी हुई ट्रेन, और फाइनली हमने टिकट भी ले लिया है। तो अभी हम इस साइड से ऊपर जाकर हमें स्टेजेस पे, उस साइड से प्लेटफॉर्म पे उतरना है। तो अभी फटाफट चढ़ते स्टेजेस। तो गाइस अभी ट्रेन का टाइम हो चुका है, और अभी आप टाइम देख सकते हो तो 4:45 का अभी टाइम हो रहा है, 5 ही मिनट बचे हुए गाइस हमारी ट्रेन के डिपार्चर को यहाँ से। तो अभी फटाफट भाग के नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ट्रेन के पास, आप लोगों को टाइम चेक कराए थे, 4:45 का टाइम हो चुका है, 5 ही मिनट बचे हुए हमारी ट्रेन के डिपार्चर को। तो गाइस फाइनली हमें सीट मिल चुकी है, तो इस वाले कोच में जा रहे हैं। तो गाइस अभी हमें सीट मिल चुकी थी, और यहाँ पर हमने बैग रख दी थी। तो अब चलते स्टेशन पर। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे वॉच लगी हुई है, वहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, अभी अनाउंसमेंट भी हुई है। तो अभी 2-3 मिनट में हमारी ट्रेन का डिपार्चर, यहाँ से फिर जाएंगे हम ट्रेन के अंदर। तो अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर वेट करें। तो गाइस अभी 4:59 का टाइम हो चुका है गाइस अभी। तो अभी हमारी फाइनल ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है, बस अभी कुछ ही सेकंडों में हमारी ट्रेन डिपार्चर करेंगे यहाँ से। तो अभी अंदर चलते हैं ट्रेन के। तो गाइस अभी हमारा डिपार्चर हो चुका है, आप लोग देख सकते हो नंदुरबार स्टेशन से, आप लोग देख सकते हो हमारी ट्रेन चलने लग चुकी है, और टाइम हो चुका है गाइस 5 o'clock का। तो ये जो जर्नी होने वाली गाइस, अभी यहाँ से डिपार्चर हो रहा है गाइस 5 o'clock को, और 9 o'clock को हम सूरत या उतना स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो अराउंड 5 घंटे की ये जर्नी होने वाली है, ये तो इस जर्नी को इन्जॉय करते हैं आपसे थोड़ा टाइम पर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से, वहाँ पर रहा स्टेशन, और यहाँ पर कुछ लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो गाइस भैया बैठे हैं यहाँ पर, और मैं बैठा हूँ यहाँ पर, हमें सीट मिल चुकी है। पर मिल जाए आपसे हमारे। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है, और आप लोग सामने जादू देख सकते हो, ये ट्रेन जो है पूरी बिल्कुल बंद है, और इसके अंदर देखो गाइस लाइट जो है बंद चालू हो रहा है। मैं अभी हम अपने मोबाइल की टॉर्च बंद करके आप लोगों को बता देता एक बार, ये देखो गाइस इसके अंदर लाइट बंद चालू हो रहा है, तो ये जादू है गाइस। क्या बोला, क्या बोला? A few moments later. तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी हमारी ट्रेन यहाँ पर स्टेशन पर रुकी है, अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock का, और अभी थोड़े टाइम में सन भी राइज हो जाएगा गाइस। तो अभी सिग्नल रेड है, तो यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी गाइस, इसलिए हम यहाँ पर उतरे हुए। तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं डिपार्चर का यहाँ से। गाइस अभी हमारा ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। एक बार अर्ली मॉर्निंग का व्यू चेक कर लो गाइस, कितना प्यारा आ रहा है। तो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सूरत स्टेशन पर, 5 घंटे की जर्नी के बाद। अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock का, और अभी हम आ चुके थे यहाँ पर टैक्सी स्टैंड पर, यहाँ से हम ऑटो वगैरह करते हैं, और अभी हम जाएंगे फाइनल वाली लोकेशन पर, जो कि आप लोग बता दें हम कहाँ जाने वाले। अभी यहाँ से एक आधा ऑटो लेते हैं हम। गाइस अभी हम उतर चुके थे रिक्शा से, आप देखा हमें आना था मोती वाला परफ्यूम शॉप पर, जो कि आप लोग सामने देख सकते हो, अभी शॉप खुली नहीं है, कुछ ही टाइम में शॉप खुलेंगी गाइस। तो तब तक के लिए यहीं पर खड़े रहकर वेट करते हैं शॉप खुलने का, फिर जाएंगे हम परफ्यूम लेने के। तो गाइस अभी अभी शॉप खुली है, आप लोग देख सकते हो, अभी हम जाएंगे शॉप के अंदर। तो गाइस अभी परफ्यूम की शॉप खुल चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं परफ्यूम की शॉप पर। तो गाइस ये है भैया की शॉप मोती वाला परफ्यूम, ये उनकी पहली शॉप है गाइस, और ये उनकी दूसरी वाली शॉप है गाइस, जिसके अंदर अभी हम जाने वाले। तो गाइस चलते हैं अभी शॉप के अंदर। तो गाइस ये रही हमारी परफ्यूम की लिस्ट, आप लोग देख सकते हो ये सारे परफ्यूम हमें लेना है। तो गाइस भैया को ये लिस्ट दे देते। तो गाइस ये वाला जो काउंटर, ये स्पेशल अतर के लिए बनाया हुआ है, तो भैया अभी ऑर्डर दे रहे हैं। तो
तो गाइस अभी हम आए थे परफ्यूम वाली शॉप पर, तो लेते हैं यहाँ से परफ्यूम, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये वाला जो है ये पुरातर का काउंटर है, और उसकी बिल्कुल नेक्स्ट में गाइस इस साइड जो है ये परफ्यूम वाला काउंटर है। तो गाइस भैया ने अभी परफ्यूम का ऑर्डर दे दिया है, तो भैया अभी काट रहे हैं परफ्यूम। ये रही हमारी परफ्यूम की लिस्ट। तो गाइस यहाँ पर इतने सारे परफ्यूम है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस, फिर भी हमारी ये वाली जो लिस्ट है जो बन चुकी है अभी। और ये वाला स्प्रे जो है हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लाए थे गाइस। तो गाइस ये रही कॉफ़ी बीन। तो गाइस जब आप इस स्मेल नहीं आती तो गाइस इस कॉफ़ी बीन को हमें स्मेल करना होता है। तो गाइस अभी हमारे परफ्यूम की लेबलिंग आ रही है गाइस, तो भैया भी प्रिंटर से लेबल निकाल रहे हैं। उसके नेम्स जो है गाइस सारे तरह के, उसके लेबल जो है प्रिंट करेंगे और फिर बॉटल्स के ऊपर जो है स्टिक करेंगे। वहाँ पर हमारे परफ्यूम पैक हो रहे हैं, यहाँ पर उनकी नेमिंग लिस्ट आ चुकी है। तो गाइस ये था फर्स्ट फ्लोर, अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर पर पूरा परफ्यूम की शॉप, तो वो भी आप लोगों को चेक कराते हैं बस। तो गाइस ये है इनका सेकंड फ्लोर, आप लोग देख सकते हो इस तरह की यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर परफ्यूम्स की शॉप है पूरी। सेकंड फ्लोर में आप लोगों को दिखा दिया हमने, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये इनका फर्स्ट फ्लोर। गाइस अभी हमें ये दो टोकन मिल चुके थे, ये उनका कैश काउंटर, यहाँ पर ये टोकन से बिलिंग होंगी। हमारे सारे परफ्यूम यहाँ पर आ चुके हैं काउंटर के ऊपर, तो भैया अभी देंगे ये टोकन और बिलिंग कराएंगे। तो गाइस एक बिल बन चुका है हमारा 460 रुपीज़ का, उसके अंदर तीन अतर है गाइस, तो ये हमें पैक हो चुके हैं, और अभी हमारे दूसरे वाले जो अतर है गाइस उसका पेमेंट हो रहा है। तो गाइस ये अभी हमारा सेकंड बिल आ चुका था 2210 रुपीज़ का। तो गाइस ये रहे हमारे परफ्यूम, तो परफ्यूम पैक हो चुके हैं गाइस। ये आउटलुक है मोती वाला शॉप का, तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो। तो गाइस अभी हमने परफ्यूम बाय कर लिए थे, और अभी हम आ चुके थे शॉप से बाहर। 2670 रुपीज़ के हमारे आता रहा है गाइस पूरे, और उसमें एक परफ्यूम भी है। तो गाइस आप लोगों का भी अगर इस शॉप पर विजिट करना हो तो आप लोगों का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी एड्रेस मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए क्लोथ की, तो मिलते हैं आपसे शॉप। गाइस अभी हम आए थे यहाँ पर कपड़े की शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस भैया अभी पैंट्स वगैरह यहाँ पर जो है पैंट भैया देख रहे हैं, तो भैया को जो पसंद आई हो देखते हैं कौन सी पसंद आती है। A few inches later. तो गाइस अभी हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट, आपने देखा, और टोटल हमारा बिल निकला है 7000 रुपीज़ का। और अभी हमारे क्लोथ जो है पैक हो रहे, और मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं किया गाइस, क्योंकि शॉपिंग में हम इतने बिजी हो चुके थे तो व्लॉग बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिला। तो गाइस अभी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलते हैं यहाँ से शॉप से। तो गाइस अभी हमारी शॉपिंग भी कम्प्लीट हो चुकी थी, और अभी हम जा रहे थे एटीएम में कुछ पैसे विड्रॉल करने के लिए। तो गाइस आप लोग यहाँ की भीड़ चेक कर सकते हो, कितनी तगड़ी भीड़ है यहाँ पर, ट्रैफिक काफ़ी है। तो अभी हमें जा रहे हैं एटीएम में, तो एटीएम का हम लोकेशन देख रहे हैं गाइस गूगल मैप पर, तो गूगल मैप गाइस गलत ही गलत बताया जा रहा है, उल्टा उल्टा घूम रहे हैं हम, पर एटीएम हमें मिल ही नहीं रहा है। तो अभी देखते हैं अभी किससे पूछ कर फिर एटीएम में जाते हैं, और यहाँ पे धूप भी गाइस काफ़ी तगड़ी है। A few moments later. हमें सामने एटीएम दिख चुका था, बैंक ऑफ बड़ौदा था यहाँ पर, तो अभी चलते हैं अंदर। काफ़ी देर घूमने के बाद हमें एटीएम मिल चुका है। तो गाइस अभी हम आज के दिन एटीएम के अंदर तो पैसे विड्रॉल करते हैं। गाइस अभी हमने कार्ड इंटेक कर दिए, तो गाइस अभी 3000 हमें विड्रॉल करने थे। तो गाइस फाइनली हमारी कैश आ चुकी है 3000 रुपीज़। गाइस अभी हमने पेमेंट भी रिसीव कर दी थी। गाइस अभी हमारा लंच भी हो चुका था, और अभी हम खड़े हैं जापा बाज़ार के अंदर। तो ये गाइस मेन जापा बाज़ार, तो यहाँ पर देखते सामने मिठाइयों की दुकान है गाइस, कुछ मिठाइयाँ खरीदते गाइस वहाँ से, टेस्ट भी करते। ये सामने आप लोग देख सकते हो गाइस, ये सारी मिठाइयों की दुकानें हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके थे मिठाई वाली शॉप पर, ये देख लो गाइस यहाँ पर काफ़ी वेराइटी वेराइटी इसके मिठाइयाँ है, तो अभी टेस्ट करके देखते हैं गाइस। ये देख लो गाइस काफ़ी वेराइटी इसके मिठाइयाँ है यहाँ पर। तो गाइस ये जो आप लोगों को सामने मिठाइयाँ दिख रही है गाइस टॉप पर, ये सारी 40 रुपीज़ पर केजी वाली मिठाइयाँ हैं, तो भैया अभी टेस्ट कर रहे हैं मिठाई। तो गाइस ये हमारी मिठाइयाँ पैक हो रही है, वैसे आप लोग देख सकते हो काफ़ी वेराइटीज़ की मिठाइयाँ थे यहाँ पर। हमने पैक भी करा दिए कुछ जो भी ये रही, और एक बॉक्स हमारा और पैक हो रहा है। शॉप का एड्रेस भी आपको एक बार चेक कराए थे बस। तो गाइस ये रहा भैया का विजिटिंग कार्ड शॉप का, तो आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा जाम लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, तो लेके रिक्शा और सीधा रेलवे स्टेशन। तो
गाइस अभी हम आ चुके थे सूरत स्टेशन, आप लोगों को चेक करा दे एक बार। और आ सामने सूरत स्टेशन, गाइस अभी चलते स्टेशन के अंदर और टिकट लेते। तो गाइस अभी हम आ चुके थे सूरत स्टेशन पर, और अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो गाइस सूरत स्टेशन का टिकट काउंटर है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी टिकट निकालते हैं, फिर मिलते हैं टिकट निकालने के बाद। तो गाइस आप लोग देख सकते हो सामने एक डमी इंजन है। गाइस अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 4:30 का, और 5 o'clock की हमारी ट्रेन है गाइस। आप लोग देख सकते हैं टिकट काउंटर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो फटाफट से चलते हैं टिकट काउंटर पे और हम टिकट लेते हैं ट्रेन। गाइस अभी हम आज के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और अभी हमारी ट्रेन आने वाली है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:36 का, तो ये अभी हमारी ट्रेन आ रही गाइस। वो देख लो गाइस, वो आ रही है हमारी ट्रेन सामने से, मिलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर। अभी हमारी ट्रेन जा चुकी थी जो कि ये रही, तो चलो अभी चलते हैं अंदर। वहाँ पर भैया बैठे हुए गाइस, वहाँ पर है हमारी सीट। तो गाइस आप लोगों को आज वंदे भारत एक्सप्रेस। वहाँ से हम निकले थे 5 o'clock को, और अभी का टाइम आपको चेक कर रहे थे। आप लोग टाइम चेक कर सकते हो गाइस, 9:35 का टाइम हो चुका है। तो ऑलरेडी हमें 4.5 hours लगे हमें पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस सूरत से हमने जो भी शॉपिंग की वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को करते थे यही पर एंड। आज से आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।